नमस्कार दोस्तों, अ डिजिटल ब्लॉगर में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे कुछ मूवीज़ की जो कि एक स्टॉक मार्केट ट्रेडर को अपनी ज़िंदगी में ज़रूर देखनी चाहिए। ये मूवीज़ आपको किसी ना किसी लेवल पे कुछ ना कुछ सिखा सकती हैं। सीख के इन मूवी से आप अपने ट्रेडिंग में, अपने ट्रेडिंग स्टाइल में कुछ बदलाव भी ला सकते हैं। तो आइए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, जब बात आती है मूवीज़ की तो हॉलीवुड मूवीज़ भी हैं, बॉलीवुड मूवीज़ भी हैं। हिंदी मूवीज़ में सबसे पहला नाम आता है मूवी गफला का। अब ये मूवी बनी थी 4025 करोड़ के स्कैम के ऊपर, जो कि हर्षद मेहता ने किया था। काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई थी इस पर्टिकुलर स्कैम से। ये मूवी का बेसिक प्लॉट यही है कि एक छोटे शहर से आया लड़का, मिडिल क्लास का, जिसको कम अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं अपनी ज़िंदगी में, वो किस तरह से बड़ा प्लेयर बनना चाहता है और किस तरह से स्कैम्स में पड़ जाता है। वेल, कितने ही मर्जी कॉन्फिडेंट क्यों ना हो आप, स्टॉक मार्केट में हमेशा एक लेवल ऑफ अनसर्टेनिटी रहता है और उसको समझ के आप चलें और अपनी सारी सेविंग्स को कभी भी स्टॉक्स में मत लगाएं, यही ये फिल्म आपको सिखा के जाती है। तो हिंदी मूवीज में दूसरा नाम आता है मूवी बाजार का। अब ये मूवी थोड़ी सी मेनस्ट्रीम मूवी है, जिसमें कि सैफ अली खान एक प्रोटैगनिस्ट के रूप में सामने आते हैं। किस तरह से एक छोटे शहर का लड़का आता है, एक अपने आइडल जैसा बनना चाहता है, कुछ ज़िंदगी में बड़ा करना चाहता है, लेकिन स्टॉक मार्केट की सच्चाई कुछ लेवल पे जब उसको दिखती है, जहाँ पे उसको इनसाइडर ट्रेडिंग कॉन्सेप्ट ऑफ होस्टाइल टेक ओवर सामने आते हैं, वेल करप्शन सामने आती है, किस तरह से पॉलिटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है, डिसीट का इस्तेमाल किया जाता है, ये चीज़ें पता लगती हैं। लर्निंग यही है कि स्टॉक मार्केट में जब आप निवेश करते हैं तो इलीगल प्रैक्टिस से दूर रहें और किसी पे ऐसे ब्लाइंडली विश्वास मत कीजिए। फिर बात आता है हॉलीवुड मूवीज़ का और सबसे पहला नाम है द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट। इसमें के एक रियल लाइफ इवेंट जॉर्डन बेलफोर्ट के, जो कि एक ब्रोकर थे, उनको पोर्ट्रे किया है लियोनार्डो डी कैप्रियो ने। किस तरीके से अपने अग्रेसिव स्टाइल से फेमस हो गए, लेकिन वो लेविश लाइफस्टाइल के चक्कर में क्राइम और करप्शन में पड़ जाते हैं, किस तरह से वो फाइनली अरेस्ट होते हैं, इस मूवी में बताया गया है। लर्निंग यही है कि मूवी आपको बताती है कि शॉर्टकट कभी ना लें ज़िंदगी में, स्पेशली वो शॉर्टकट अगर इलीगल है। चाहे आप कितनी समझदार क्यों ना हो, आप दुनिया में हर किसी को बेवकूफ़ नहीं बना सकते। तो द वॉल्फ ऑफ वॉल स्ट्रीट आपको ये सिखाती है। अगर नाम इस लिस्ट में आता है द मार्जिन कॉल का, 2008 का जो रिसेशन हुआ था, उस मूवी उस पर्टिकुलर पॉइंट इन टाइम 24 घंटे पहले क्या क्या हुआ था, एक बड़ी फर्म में किस तरह से कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रूमेंट में निवेश करके एक बहुत बड़ी कंपनी एक स्कैम में फंस गई थी, किस तरह से वो निकलते हैं, किस तरह से कुछ लोग इसमें फंसते हैं, ये मूवी में बताया गया है। इमोरल प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल किस तरह से किया गया कस्टमर्स को नुकसान पहुंचाने के लिए, ये मूवी आपको बताती है। लर्निंग यही है कि डिसऑनेस्टी और डिसेप्शन यूज़ करेंगे आप तो आपका ही डूम लेके आएगी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी हम कहते ज़रूर हैं, लेकिन शॉर्ट टर्म में शायद वो आपको फ़ायदा दे जाए, लॉन्ग टर्म में नहीं। अगला नाम आता है इस लिस्ट में वॉल स्ट्रीट का, काफ़ी पुरानी मूवी है, चार्ली शीन इसमें मेन करेक्टर के रूप में सामने आते हैं। वॉल स्ट्रीट मूवी एक बताती है एक यंग मैन बट फॉक्स की कहानी है, जो कि इनसाइडर ट्रेडिंग कुछ इलीगल प्रैक्टिसेस करता है अपने हीरो को इम्प्रेस करने के लिए, लेकिन जब बाद में उसको पता लगता है कि इसके चक्कर में काफ़ी लोगों की ज़िंदगी बर्बाद हुई, तो वो बाद में सब कुछ ठीक करता है। इस मूवी में आपको सिखाया गया है कि जल्दी पैसा बनाने के चक्कर में इलिसिट ट्रेड्स ना करें, अल्टीमेटली वो आपको ही नुकसान पहुंचाएंगी और इस तरह से पैसे कमाए गए ज़्यादा देर नहीं रहते। इस लिस्ट में अगला नाम आता है रोग ट्रेडर मूवी का। बेरिंग्स बैंक का जो फॉल हुआ था 1995 में, उसके ऊपर ये मूवी बनी है। किस तरह से एक ट्रेडर ने पूरी की पूरी बैंक को कोलैप्स कर दिया था, बाद में वो भाग जाता है मलेशिया एंड ऑल दैट। सो काफ़ी चीज़ें, काफ़ी इवेंट्स फॉलो होते हैं, किस तरह से वो बैंक के पैसे को गैम्बलिंग में यूज़ करता है, तो इन एपिसोड्स को भी यूज़ किया गया है इस मूवी में, जो कि आपको सिखाती है कि बेसिकली डिसऑनेस्ट होना अपने काम से, दूसरों को चीट करना आपको खुद को ही रिग्रेट करवाएगा, चाहे आप कितने ही स्मार्ट क्यों ना है। हालांकि ये मूवी में आपको काफ़ी टर्न्स एंड ट्विस्ट भी मिलते हैं, एक बैंकर जो एक बेसिक एम्प्लॉय था, किस तरह से एक बड़े बैंक को बेवकूफ बनाता है। नाम आता है अगला इस लिस्ट में द बिग शॉट का। अब ये मूवी अगेन 2008 के रिसेशन के ऊपर बनी है, लेकिन किस तरह से एक बड़े हेज फंड मैनेजर ने करीब 3-4 साल पहले ही भांप लिया था कि US की जो इकोनॉमी है काफ़ी एक बड़े रिसेशन की तरफ मूव हो रही है, स्पेशली जो हाउसिंग मार्केट बबल
बनने वाला है। इस मूवी में काफ़ी कॉम्प्लेक्स टर्म्स को भी बहुत आसानी तरीके से, बहुत आसान भाषा में सिखाया गया है, समझाया गया है। और ये जो पर्टिकुलर इन्वेस्टर है, इसके अलावा दो पैरेलल स्टोरीज और भी चल रही हैं इस मूवी में, तो वो किस तरह से इस रिसेशन में करीब बिलियंस ऑफ डॉलर्स का पैसा मुनाफा कमाते हैं। इस मूवीज में बेसिकली आपको सीखने को मिलता है कि आप अपने इंस्टिंक्ट्स के साथ जुड़े रहें, चाहे दुनिया कुछ भी क्यों ना कहे। इस लिस्ट में अगला नाम आता है द बॉयलर रूम मूवी का। अब ये मूवी आपको बेसिकली बताती है कि एक 19 साल के लड़के की कहानी, जो कि एक डूबियस ब्रोकरेज फर्म को ज्वाइन करता है क्योंकि उसको भी बाकियों की तरह मिलियनेयर बनना है। इस मूवी में एक फर्म को बताया गया कि वो किस तरह से आर्टिफिशियली स्टॉक्स के प्राइसेस को बड़ा करते हैं, कम करते हैं, डिपेंडिंग कि उनको खुद का मुनाफा कितना बनाना है, किस तरह से वो बायर्स को बाद में निवेशकों को छोड़ जाते हैं बीच मझधार में ताकि वो खुद अपना पैसा बना सकें। इस पर्टिकुलर मूवी में आपको बताती है कि कंपनी के फंडामेंटल्स के साथ जुड़े रहना कितना ज़रूरी है। ऐसी आंख बंद करके विश्वास मत कीजिए किसी के ऊपर, हमेशा अपनी कंपनी के फंडामेंटल एनालिसिस पे ध्यान दीजिए। अगला नाम आता है इस लिस्ट में मनी मॉन्स्टर का। ये थोड़ी बॉलीवुड मसाला टाइप मूवी है, हालांकि हॉलीवुड में बनी है। जॉर्ज क्लूनी इसमें मेन प्रोटैगनिस्ट हैं। इस मूवी में बताया गया कि किस तरह से एक नॉर्मल इंसान अपने पूरी की पूरी सेविंग्स को करीब 40-45 लाख को लगा देता है निवेश में, क्योंकि एक टीवी होस्ट ने उन स्टॉक्स को रेकमेंड कर दिया था। बाद में थोड़ी सी मूवी बॉलीवुड टाइप हो जाती है, जहां पे ये करेक्टर उस पर्टिकुलर होस्ट को होस्टेज बना लेता है, ऑल दैट थिंग्स हैपन। बट सिखाती बेसिकली मूवी यही है कि किसी पे ब्लाइंडली विश्वास मत कीजिए, अपनी इन्वेस्टमेंट्स को डाइवर्सिफाई ज़रूर करें। इस लिस्ट में लास्ट नाम आता है टू बिग टू फेल मूवी का। ये मूवी बताती है कि 2008 के रिसेशन के टाइम पे यूएस गवर्नमेंट ने किस तरह से बड़े बड़े बैंक्स को, ह्यूज कॉर्पोरेट कंपनीज को उस रिसेशन से बचाने की कोशिश की थी। कुछ बैंक्स को बचा लिया था, कुछ को नहीं बचा पाए थे। मूवी सिखाती है बेसिकली आपको कि अपने जो सेविंग्स हैं उसको आप डाइवर्सिफाई करें इन्वेस्टमेंट्स के साथ, और रिस्क फ्री एसेट्स में भी निवेश कीजिए, क्योंकि स्टॉक मार्केट तो क्या ज़िंदगी का भी भरोसा नहीं है। तो ये भी मूवी एक अच्छी खासी लेवल पे आपको कुछ ना कुछ सिखाती है। बढ़िया बात यही है कि ये सब मूवीज़ आजकल के जो स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जैसे नेटफ्लिक्स वगैरह, उस पर आपको आराम से मिल जाएगी। दोस्तों, इस पूरे के पूरे अच्छे से लिस्ट को पढ़ने के लिए तो आप हमारी वेबसाइट aadigitalblogger.com/sharemarket/stockmarketmovies पे जा सकते हैं, जिसमें आपको पूरी लिस्ट मिल जाएगी। हमसे कुछ सजेशन चाहते हैं ब्रोकर के लिए तो /free-stockbroker-suggestion पे जाके अपनी डिटेल्स दीजिए, आपके लिए एक कॉल बैक अरेंज हो जाएगा। तो दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें ऐसे ट्रेंडिंग वीडियोज़, और अगर सब्सक्राइब नहीं किया है इस चैनल को तो अ डिजिटल ब्लॉगर को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस। बाय बाय।